नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज हम अपने हैं सेशन नंबर 67 पे। आज की जो टॉप 6 स्टोरीज हम कवर अप करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। दूसरे हम बात करेंगे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स बाय FSSAI यानी कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तीसरी बात करेंगे रेल कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में आया था, अब आया है रेल कौशल विकास योजना, क्या कहता है ये योजना, इसके बारे में देखेंगे। फोर्थ, G20 की जो मीटिंग होने वाली है अक्टूबर 2021 में, उसका एग्रीकल्चर मीट अभी हुआ है, वर्चुअली हुआ है, इसको देखेंगे। फिफ्थ, सी ककंबर क्या है ये, समुद्र के खीरे, इस पे बात करेंगे। एंड फाइनली एक्सरसाइज समुद्र शक्ति फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर एंड MCQs फॉर प्रैक्टिस। शैल वी बिगिन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, वैश्विक सूचकांक नवाचार सूचकांक 2021। अब इसमें क्या है कि भारत की इसमें रैंक आई है जो आपको याद रखनी जरूरी है, और भारत की रैंक इसमें कितनी आई है, 46 का किसमें आई है, 2021 में। 2020 में कितनी थी, 2020 में थी 48। तो कितने पायदान उठ गया भारत, तो दो पायदान की जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, राइट। अब ये जो सूचकांक है इसको लॉन्च कौन करता है, इसको लॉन्च करता है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जो कि यूनाइटेड नेशन की ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लोग मुझे कमेंट थ्रेड में बताएंगे। आप लोग बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं दोस्तों, पार्टिसिपेट कीजिए, ये आप ही के फायदे के लिए है। सो आज का आपका पहला सवाल है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो सूचकांक है इसमें इन्होंने कितने देशों को शामिल किया हुआ है, तो 132 देशों को इसमें इन्होंने, 132 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें इन्होंने शामिल किया हुआ है। और इनके पैमाने कितने हैं, इनके वैसे तो 7 पिलर्स हैं, लेकिन 80 इनके पास इंडिकेटर्स हैं जिनको इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग की हुई है कि इनोवेशन इनपुट्स क्या क्या हैं, उसके बाद फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से क्या क्या है, इनोवेशन आउटपुट्स क्या क्या हैं, ठीक, इसके हिसाब से इन्होंने इसको पूरे ढांचे को बांटा हुआ है। और इसके जो 7 पिलर्स हैं वो ये रहे, institutions, human and capital and research, infrastructure, market sophistication, business sophistication, knowledge and technology outputs and creative outputs। ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको मैंने बता दी। आपको जो याद रखना है वो ये रखना कि भारत की रैंक अभी कितनी है, पहले कितनी थी, इसको लॉन्च कौन करता है, इसमें कितने इकोनॉमीज जो है इंडल्ज किए गए। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट की क्या क्या फाइंडिंग, यानी सूचकांक में क्या क्या मेजर चीजें मिली हैं। मेजर चीजें ये मिली है कि जो टॉप 5 नेशन है, तो स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा इनोवेटिव कंट्री है, राइट। दूसरे नंबर पे आता है स्वीडन, तीसरे पे US, चौथे पे UK, और पहली बार इसमें पांचवें पायदान पे आया है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। और अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में सिंगापुर की रैंक 8 पिछले साल के जैसी ही बिल्कुल बराबर, चाइना की 12, जापान की 13, और हांगकांग और चाइना, हांगकांग मतलब हांगकांग प्लस चाइना मिला के 14, राइट। तो ये है एशियन पैरामीटर्स पे, तो भारत ने इसमें अच्छा खासा काम किया है। तो भारत के साथ लगे हाथों देख लेते हैं, भारत की परफॉर्मेंस साल दर साल अच्छी होती चली जा रही है, राइट। 2007 में जब ये शुरू हुआ था, कौन शुरू हुआ था, ये जब सूचकांक 2007 में शुरू हुआ था तब भारत की जो रैंक आ रही थी, और अब भारत की जो रैंक आई है उसमें काफी इजाफा हुआ है, और इसका पूरा श्रेय जाता है सरकार को, और सरकार के साथ साथ उन संगठनों को जो इसमें काम कर रही है इसको सुदृढ़ बनाने के लिए, जैसे कि टॉप IITs हो गई, IISc बैंगलोर हो गई, इस तरीके के जो इंस्टीट्यूट हैं। NIRF की रैंकिंग अभी आई थी, हमने उसको डिस्कस किया था आप लोगों के साथ अच्छे से, राइट। अब इसमें जो है भारत ने दूसरी रैंक हासिल की है अमंग द 34 लोअर मिडिल इनकम ग्रुप इकोनॉमीज, इंडिया रैंक्स फर्स्ट अमंग 10 इकोनॉमीज इन सेंट्रल एंड सदर्न एशिया, राइट। तो अगर हम निम्न आय वाले देशों में बात करें तो भारत की रैंक उसमें दूसरी आती सिर्फ उनके कंपेरिजन में, राइट। और जब हम सेंट्रल और सदर्न एशिया की बात करें तो भारत की रैंक पहली हो जाती है अमंग द 10 इकोनॉमीज। भारत में भी इसको लेकर, क्योंकि इसको लेकर काफी ज्यादा सीरियस थी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने भी IIII जो है वो रिलीज किया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, और इसको डेवलप किसने किया था, इसको डेवलप किया था नीति आयोग ने, राइट। और उनका पूरा मतलब, उनकी पूरी जो मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा जो एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो यही था कि इस पैरामीटर पे हम अपने आप को सुधार पाएं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, क्योंकि अब नवाचार का ही जमाना है, राइट। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्लियर है। चलिए दूसरी स्टोरी पर चलते हैं।
दूसरा है हमारे पास राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। हाल फिलहाल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जरा नाम बता दीजिए महाशय जी का, मंत्री जी का, माफ कीजिएगा। तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अपना तीसरा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो रिलीज किया है। ऑल्सो 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन्स फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स करके उसको भी फ्लैग्ड ऑफ किया गया है टू सप्लीमेंट द फूड सेफ्टी इकोसिस्टम अक्रॉस द कंट्री। अब ये जो इंडेक्स है इसे कौन डेवलप करता है, इसे डेवलप करती है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इनके 5 पैरामीटर्स हैं जिन पे ये जो है राज्य की ये जो खाद्य सुरक्षा है उसको ये नापते हैं। पैरामीटर्स में आपके पास आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके पास आ गया इंस्टीट्यूशनल डेटा, आ गया कंप्लायंस, आ गई फूड टेस्टिंग, आ गई इंफ्रास्ट्रक्चर, आ गया सर्वेलेंस, आ गया ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ये सब मिलाकर जो है देखा जाता है। और इसीलिए इस मॉडल को ये लोग काफी क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी काफी बेहतर मानते हैं। इसकी पहली शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी पहली शुरुआत 2018-19 में हुई थी और वो भी 7 जून 2019 को, जब वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है। अब अगर हम इस सूचकांक की माने तो इसमें कुछ कुछ बातें हमें मिली हैं, उसको देख लेते हैं। लार्जर स्टेट्स में जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो गुजरात उनमें टॉप पे रहा, फॉलोड बाय केरला और फिर तमिलनाडु। स्मॉलर स्टेट्स में अगर हम बात करें तो गोवा पहले पर रहा, फिर मेघालय, मणिपुर और यूटीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और न्यू दिल्ली ने अच्छी टॉप रैंक इसमें हासिल की है। साथ ही साथ खान पीने को लेके जो भारत है उन्होंने कुछ और इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ये इनिशिएटिव भारत सरकार और FSSAI का है ताकि जो देश की जो फूड सिस्टम है उसको कम्प्लीटली चेंज किया सके। ये बहुत ही मतलब एक चिंताजनक भी आप कह सकते हैं या हास्यास्पद भी आप कह सकते हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं वो प्रोटीन को समझते ही नहीं कि व्हाट इज द प्रोटीन। बहुत सारे मिसकंसेप्शन से लेके प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी और कई लोगों को लगता है कि जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खा रहे हैं वही से हम प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कितना प्रोटीन खाना चाहिए ये भी किसी को मालूम नहीं है। बहुत सारे अगर हम बात करें, देखिए क्या है कि पर्टिकुलर लॉबी को आप छोड़ दीजिए जो हेल्थ फील्ड में है, लेकिन काफी सारा जो जनरल पब्लिक है, जो मोस्ट ऑफ द क्राउड, उनको ये सब चीजें मालूम नहीं है। तो उनको अवेयरनेस देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसी को लेकर सरकार बहुत सारी पॉलिसी लेके आई है, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, पोषण अभियान हो गया, अनीमिया मुक्त भारत हो गया, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती है। साथ ही साथ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है, एक याद रखना है फूड कोड, जिसे कोडेक्स एलिमेंटेरियस भी कहते हैं। ये एक पूरा कलेक्शन है, संग्रह है, जिसमें सारी गाइडलाइंस और सारे कोड्स वगैरह लिखे गए हैं। और इसको पूरा संगठित किसने किया है? इसको संगठित किया है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने, राइट। ये कमीशन एक जॉइंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और किसकी जॉइंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है तो FAO की प्लस WHO, इन दोनों की ये क्या है, जॉइंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, विच इज ऑल्सो नोन एज फूड कोड। समझ आ गया, इतना आपको याद रखना है। तीसरी स्टोरी पे अगर हम चले तो तीसरी स्टोरी है अपनी रेल कौशल विकास योजना। बेसिकली ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आप बिल्कुल सिमिलरली इसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरह समझ सकते हैं, लेकिन द डिफरेंस इज कि जो पूरा का पूरा इसमें जो रेलिवेंसी दी गई है वो रेलवे को दी गई है। ठीक, इसमें एक ये ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम है या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें जो यूथ है उनको ट्रेन किया जाएगा, स्पेशली उनको जॉब्स पे फोकस किया जाएगा, उनको मतलब एक कौशल जो है, एक रोजगार तो मिलेगा ही लेकिन एक कौशल उन्हें व्यक्ति भी बनाया जाएगा। इसमें 4 ट्रेड्स हैं, इलेक्ट्रीशियन के, वेल्डर के, मशीनिस्ट एंड फिटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, अब इनको जो सारी अप्रेंटिसशिप की जो चीजें दी जाएंगी, ट्रेनिंग वगैरह, वो इस एक्ट के तहत दी जाएगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अप्रेंटिस एक्ट 1961। मेन मुद्दा तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें करना क्या है, इसमें जो आपके जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो अवधारणा है उसको सही करना है। और कहीं ना कहीं सरकारों को या फिर आप कह लीजिए कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको लग रहा है कि वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डेमोग्राफिक डिजास्टर। अब इसमें जो की, इसमें जो मतलब कुछ कुछ जो बातें हैं जो ध्यान रखना है कि अगले 3 साल तक इन्होंने टारगेट लिया है कि 50,000 कैंडिडेट्स को हम क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। कैंडिडेट्स जो 10वीं पास है या फिर 18 से 35 साल के बीच के हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इट विल नॉट ओनली इम्प्रूव द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ बट ऑल्सो अपग्रेड द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयड। साथ ही साथ लगे हाथों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को भी जान लेते हैं। ये योजना 2015 में लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा से, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से इसे लॉन्च किया गया था। इनके भी मंत्री का नाम आप जरा लिख दीजिए कमेंट थ्रेड में, पार्टिसिपेट रखिए बिल्कुल बढ़िया से। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, जब देखिए जब 2014 में सरकार बनी थी तब सरकार को समझ में आ गया था कि इनको डोल आउट सिस्टम नहीं देना पड़ेगा, इनको जो है मतलब ट्रेन करना पड़ेगा ताकि खुद ही खाएं, खुद ही कमाएं, राइट, खुद ही कमाएं, खुद ही खाएं, उल्टा बोल गया थोड़ा सा मैं,
तो उसके लिए जो आपका जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसको ट्रेन करने की जरूरत है, उसे कौशल देने की जरूरत है ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़े, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। इसके लिए सरकार इस तरीके के योजनाओं को लेके आई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जगह जगह इसके सारे सेंटर्स भी खोले गए, राइट। इसमें जो कुछ कंपोनेंट्स थे इसके कि हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स वगैरह देंगे, जैसे सीसीटीवी कैमरे की रिपेयरिंग करना, सिलाई कढ़ाई, ये सब सारी चीजें मतलब काफी छोटे छोटे पैमाने पे थी। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, स्पेशल प्रोजेक्ट्स वगैरह फिर दिए जाएंगे, रोजगार मेले लगेंगे, कौशल मेले लगेंगे, ठीक। इस तरीके की सारी इसमें जो है अवधारणाएं रखी गई थी। तो यह है रेल कौशल विकास योजना, जिसे आपको समझने की जरूरत है, और ये बहुत ही खूबसूरत सा इन्फोग्राफिक है जिसमें ये सारी जो है बातें दी गई हैं। रेल कौशल विकास योजना क्या उसकी स्कीम है, किस किस तरीके से और क्या क्या इसमें करेगी सरकार। अगली स्टोरी है अपनी G20 एग्रीकल्चर मीट 2021। तो भारत के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने G20 एग्रीकल्चर मीट वर्चुअली जो है एड्रेस किया। इट इज वन ऑफ द मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स ऑर्गेनाइज एज अ पार्ट ऑफ G20 लीडर समिट 2021, और जो कि अक्टूबर 2021 में इटली द्वारा होस्ट की जा रही है। अगर इस मीटिंग की बात करें तो एक फाइनल स्टेटमेंट साइन किया गया जिसका नाम क्या था, फ्लोरेंस सस्टेनेबिलिटी चार्टर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें क्या साइन किया गया है, फ्लोरेंस सस्टेनेबिलिटी चार्टर। इसमें क्या होगा कि जो G20 के मेंबर्स हैं वो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, कल हमने WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पे बात की थी जिसमें हमने पूरा झगड़ा समझा था कि वो पूरा का पूरा झगड़ा डेवलप्ड इकोनॉमीज वर्सेस डेवलपिंग इकोनॉमीज पे है, जिसमें भारत ने अर्ज किया कि G33 इकोनॉमीज को सामने आना पड़ेगा और डेवलपिंग इकोनॉमीज के साथ में खड़े रह के बोलना पड़ेगा, राइट। उसी से रिलेटेड सारी बातें हैं कि इसमें G33 तो नहीं है लेकिन G20 मेंबर्स हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ जो है फूड एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड सारे नॉलेज को शेयर करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज के जो अपने इंटरनल प्रोडक्शन कैपेसिटीज हैं उसको बेहतर करेंगे, उसकी अच्छी सी रिकवरी लेके आएंगे, ये सारी मतलब इसमें बातें की गई है, ठीक। क्योंकि मेन मुद्दा क्या है, अगर आप SDG गोल्स को देखेंगे तो SDG गोल्स में एक है, एक गोल क्या है, एक गोल है जीरो हंगर, राइट। एक गोल क्या है, जीरो हंगर, तो इसको भी कहीं ना कहीं समझना है, विच इज ऑल्सो थ्रेटन बाय द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द COVID-19। Reaffirm the commitment to achieve food security in the framework of three dimensions of sustainability, economic, social and environmental. तो ये जो charter sign किया गया है ना भैया, Florence Sustainability Charter, इसके तीन जो है aspect बता दिए गए, economy, social, environmental, और तीनों के तरफ से जो है मतलब देखा जाएगा। भारत और एग्रीकल्चर मीट में क्या रहा कि भारत ने जो है पूरा का पूरा emphasize किया traditional खानों के ऊपर, जो कि nutritious खाने हो, चाहे आपके फल हो गए, सब्जियां हो गए, फिश, डेयरी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वगैरह, इन पे पूरा फोकस किया। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन का धन्यवाद दिया कि उन्होंने भारत का जो प्रपोजल था कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया जाए, तो उसको UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक्सेप्ट किया, तो उसके लिए भी शुक्रिया किया। एंड अर्ज द G20 नेशंस टू सपोर्ट द सेलिब्रेशन ऑफ मिलेट ईयर टू प्रमोट न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। साथ ही साथ बात की बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज के ऊपर। बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज क्या है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो भी आप डाइट ले रहे हैं, उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा सा रिच बनाना, थोड़ा सा बेहतर बनाना, ताकि माल न्यूट्रिशन जैसी चीजों को नकारा जा सके। देखिए, अब मैं माल न्यूट्रिशन से आपको एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ कि माल न्यूट्रिशन को ना जनरली पीपल में जो मतलब एक माइंडसेट बना हुआ है कि जो कुपोषण है वो रूरल इंडिया से ही है, अर्बन इंडिया में नहीं है, लेकिन ये टोटली गलत है दोस्तों। जो कुपोषण है वो रूरल इंडिया से तो है ही है, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज की बहुत स्कैर्सिटी है, एडवर्सिटी है, लेकिन अर्बन इंडिया में भी है, क्योंकि अर्बन इंडिया में समझ नहीं है। आई बात समझ में? अबाउट 17 सच वैरायटीज ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स हैव बीन डेवलप्ड एंड रिलीज्ड फॉर कल्टीवेशन। इंडियन एग्रीकल्चर हैज अचीव्ड अ ग्रेट सक्सेस आफ्टर द कंट्रीज इंडिपेंडेंस एंड सेक्टर आल्सो रिमेंड अनअफेक्टेड इवन ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक। कुछ और इनिशिएटिव्स भारत सरकार ने इस चीज में लॉन्च किए, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, परंपरागत कृषि विकास योजना, राइट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस तरीके के मिड डे मील स्कीम होगा, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस तरीके की काफी चीजें जो है सरकार ने लॉन्च की है। क्लियर है दोस्तों, चले आगे बात करते हैं। G20 के इकोनॉमीज वगैरह को थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। सीधा सीधा सवाल 2020 के प्रीलिम्स में आया था कि इनमें से कौन से G20 नेशंस में शामिल है, तो थोड़ा सा एक बार 20 देशों को देख लीजिएगा और किस इंपॉर्टेंट तो है ही है साथ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी कंगबर के ऊपर, समुद्री खीरे। क्या है समुद्री खीरे? तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, उन्होंने दो टन समुद्री खीरे, जो कि एक बैंड मरीन स्पीसीज है, ये क्या है, ये दिस इज अ मरीन स्पीसीज, आ सकता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखना है और तैयार रखना है खुद को जितना हो सके। तो सी ककम्बर इज अ मरीन स्पीसीज,
जिसको इंडियन कोस्ट गार्ड ने सीज किया है कहां से? गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे एरियाज में तमिलनाडु की तरफ से, राइट। सी ककम्बर्स आर मरीन इन्वर्टिब्रेट्स जो कि सी फ्लोर पे रहते हैं, जनरली ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं। इनके ऑबलोंग शेप के कारण इन्हें ककम्बर का नाम दिया गया है, क्योंकि ये खीरे जैसे दिखते हैं, मोटे खीरे जैसे ये दिखते हैं। दिस इज अ सी ककम्बर, राइट। कोरल, जहाँ पे कोरल रीफ्स वगैरह जहाँ पे होते हैं उनके साथ ही पूरा रहते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये। और इनको कहाँ से सीज किया गया है? तो ये पाक स्ट्रेट और गल्फ मन्नार जो तमिलनाडु के पास है, यहाँ से इंडियन कोस्ट गार्ड ने इन्हें 2 टन की मात्रा में सीज किया है। क्लियर। दे आर क्रूशियल टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ ओशियन हैबिटेट्स एंड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कोरल इकोसिस्टम। दे एक्ट लाइक गार्बेज कलेक्टर्स ऑफ द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड एंड दे रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स एंड दस प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग कोरल रीफ्स इन गुड कंडीशन। तो कोरल रीफ्स के साथ साथ पूरी तरीके से मदद करते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्हें गार्बेज कलेक्टर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। IUCN रेड लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी इनकी वेराइटीज हैं, जैसे कि ब्राउन सी ककम्बर जो कि एंडेंजर्ड है, ब्लैक स्पॉटेड सी ककम्बर लीस्ट कंसर्न है, ब्लू सी ककम्बर डेटा डेफिशियंट है, मतलब कुछ पता नहीं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में ये आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाल फिलहाल 2020 में पिछले साल लक्षद्वीप आइलैंड के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उन्होंने विश्व का पहला कंजर्वेशन एरिया बनाया था, किसके लिए? सी ककम्बर्स के लिए, क्योंकि इन पे भी काफ़ी सारे थ्रेट आ रहे हैं। इनकी इलीगल ट्रेडिंग होती है, इनकी स्मगलिंग होती है, और बहुत ज़्यादा डिमांड है साउथ ईस्ट एशिया जापान वगैरह के तरफ, क्योंकि वहाँ पर ये उनके ट्रेडिशनल दवाइयाँ और खानों के लिए पूरी तरीके से मदद करता है, राइट। तो इन पे ये खतरा ना पड़े, दैट्स वाई लक्षद्वीप आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एरिया इन 2020 फॉर सी ककम्बर्स। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं आज की फाइनल स्टोरी के ऊपर, एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। इसका जो तीसरा एडिशन है दोस्तों, वो भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में 20 से 22 सितंबर 2021 तक चला। और कहाँ चला, कौन से स्ट्रेट में? तो सुंडा स्ट्रेट में चला। सुंडा स्ट्रेट आप देख सकते हैं, ये पूरा भारतीय महासागर है, ये मलेशिया आ रहा है, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, एंड दिस इज योर सुंडा स्ट्रेट, राइट, इंडोनेशिया के बीच में। और यहाँ पर है लॉम्बकॉक स्ट्रेट। ये सब आपको ध्यान रखना है। हम थोड़ा 2 सेशन से ना आसियान की तरफ फोकस थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति किसके बीच में? बायलैटरल इंडिया एंड इंडोनेशिया एक्सरसाइज। इसमें भारत की तरफ से किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया? तो शिवालिक और कडमट दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये आपको ध्यान रखना है। और जो दूसरी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट और इंडिया इंडोनेशिया बायलेट मैरीटाइम एक्सरसाइजेज, तो ये कुछ कुछ चीजें जो है आप ध्यान रखिएगा। एक और सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, गरुड एक्सरसाइज ये किन 2 देशों के बीच में होता है? एक तो भारत हो गया, दूसरा बताइए, दूसरा आप बताइए, गरुड एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स आप भरिएगा, पूरा पार्टिसिपेशन रखिए दोस्तों। अब बात करते हैं एमसीक्यूज के ऊपर, आज के 3 MCQs आपके लिए रेडी है। सबसे पहला सवाल यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली लॉन्च द ग्लोबल मिथेन प्लेज? ग्लोबल मिथेन प्लेज को किस देश ने लॉन्च किया है? दूसरा, इनमें से कौन से टैक्सेस हैं जो GST में सब्ज्यूम हो जाते हैं? क्योंकि GST के अभी हाल फिलहाल में काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो उससे रिलेटेड मैं सवाल आपके लिए लेके आया हूँ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम्ड इन GST। थर्ड, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्योंकि बहुत ज्यादा बात चल रही है मिथेन एमिशंस के ऊपर, कार्बन एमिशंस के ऊपर, तो आप बताइए इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्लियर। कल के जो 3 सवाल थे दोस्तों पिछले सेशन के, उनका जवाब देने का समय आ गया है। सबसे पहले हमने सवाल पूछा था SCO के ऊपर, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट, कि इस ऑर्गेनाइजेशन की 2 परमानेंट बॉडीज हैं एंड द वेन्यू ऑफ SCO काउंसिल मीटिंग्स मूव्स बिटवीन द 8 मेंबर्स, 8 मेंबर्स के बीच में मूव करती रहती है। टोटल कितने मेंबर है जरूर बताइएगा। बैड बैंक से रिलेटेड सवाल था, तो बैड बैंक रेफर्स टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट टेक्स ओवर बैड एसेट्स ऑफ लेंडर्स एंड अंडरटेक्स रिजोल्यूशन, दिस इज अ कंप्लीटली राइट स्टेटमेंट। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL और इसके साथ साथ IDRCL, ये दोनों ही बैड बैंक है विच इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तीसरा, आई मेशा जो है हाल फिलहाल देखा गया है सोशल सेक्टर स्कीम्स के लिए, तो आई मेशा का मतलब है इन्फॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवोल्यूशन एंड सोशल ऑडिट, बेसिकली अ काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म फॉर द सोशल ऑडिट ऑफ सोशल सेक्टर स्कीम्स, तो ये आपको ध्यान रखना है फुल फॉर्म वगैरह, इन्फॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवेल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट। क्लियर। चलिए, PT के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, CA बूस्टर प्रीमियम पावर ऑफ 10, आइए एनरोल कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, खुद भी कीजिए दोस्तों को भी कराइए। करंट अफेयर्स की एनरोल कंपाइलेशन बुक स्टोर पर अवेलेबल है, डाउनलोड कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। साथ ही साथ UPSC सेल्फ प्रेफ कोर्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आपके सामने हैं, खुद को एनरोल कीजिए और दोस्तों को भी कराइए। और ये सिविल्स तपस्या, क्योंकि अपने आप में एक तपस्या है, मेहनत है बहुत ज़्यादा,
सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल इंडिया का बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है ये, वन ऑफ द फाइनेस्ट वेबसाइट ऑफ इंडिया। आप जाइए इस पे पढ़िए, रेगुलर आपके पास स्टडी मटेरियल है, करंट अफेयर्स हैं, द हिंदू के रेगुलर एनालिसिस हैं, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स हैं, प्रीवियस ईयर्स की एग्जाम एनालिसिस है और साथ ही साथ टन्स ऑफ एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। क्लियर, हम मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।